हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। आज के इस वीडियो में हम टीडीएस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। टीडीएस टैक्स किस पर अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो टीडीएस हमारा जो भी हमारी इनकम होती है उससे पहले इनकम रिसीव करने से पहले ही हमारा जो टीडीएस होता है वो डिडक्ट कर लिया जाता है इनकम में से, उसे टीडीएस टैक्स कहते हैं। और इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे रेंट पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, इन सब पे हम टीडीएस टैक्स अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। टीडीएस टैक्स के लिए सबसे पहले आप 11 की प्रेस करके जीएसटी को नो करना है, देन टीडीएस को यस कर देना है। इसके बाद इसे कंट्रोल ए कर देंगे, फिर जाएंगे लेजर्स पर, लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग। देन मिल जाता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद हम यहाँ स्पेस बटन प्रेस करके इसको एप्लीकेबल कर देंगे। देन यहाँ से क्रिएट करेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग। देन सेशन में हम 1, 2, 3 एंड सी कुछ भी डाल देंगे, मतलब नंबर एंड एक अल्फाबेटिक होना चाहिए। पेमेंट में 8 नंबर का कोड होता है पेमेंट को, देन इससे कुछ नहीं करना। वेज पैन में हम डाल देते हैं 20% जितना हमारा टीडीएस कटेगा। तो यहाँ से करो कंट्रोल ए। इसके बाद बनाते हैं सन रिप्रिंटर। जो कि क्रेडिटर्स में ही जाएगा। देन यहाँ से हम इसको भी यस कर लेंगे। यहाँ से लेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन, यस कंट्रोल ए। इसके बाद बनाते हैं टीडीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स टीडीएस, रेंट ऑन बिल्डिंग एंड कंट्रोल ए। इसके बाद आते हैं हम वाउचर्स पर। वाउचर्स में इसमें हमारी जनरल की एंट्री पास होगी, तो F7 प्रेस करके हम जनरल का वाउचर ओपन कर लेंगे और बाय में लेंगे पहले रेंट ऑन बिल्डिंग। कितना टोटल कितना खर्चा है 5000। देन यहाँ 2 में हम लेते हैं क्रेडिटर, जो कि अपने आप टैक्स डिडक्ट करके हमारे 4000 आ गया है कि हमें 4000 पे करने मिले हैं, और जो भी हमारा कट गए हैं 1000 रुपये वो टीडीएस कट गया है। इसको हम ऐसे करते थे कंट्रोल ए। इसको चेक करने के लिए हम नॉर्मली डिस्प्ले में जाएंगे डेबुक, हाँ से हम चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टीडीएस टैक्स समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टैक्स के साथ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।